हमें टेलीविजन पे देखने को मिल रहा है कि भारतीय मूल के बच्चों को यूक्रेन में काफ़ी सुविधा दी जा रही है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वहाँ पे जो भारतीय मूल के स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या बीत रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह वीडियो मेरे पास आए, वो ऑडियो क्लिप मेरे पास आए, हम परेशान हो गए। जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल विपरीत, बच्चे भूखे प्यासे पता नहीं कितने 100 किलोमीटर चलकर एक जगह पहुंचते हैं, उसके बाद जाकर उनको वहां रोक दिया जाता है और टेम्परेचर जो माइनस में है। इस सब के बीच जो सिचुएशन पैदा हुई है यूक्रेन में भारतीय मूल के बच्चों की, वो बयान नहीं की जा सकती। पूरा सच क्या है ये आप देखिए। मैं साहिल कुमार जम्मू का निवासी हूँ। मैं अभी यूक्रेन में स्टडी वीजे पे आया था और यूक्रेन में हालात खराब होने के कारण अभी यूक्रेन में हम फंसे पड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आप ईस्टर्न यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे आपको दूसरी कंट्री से इवैक्यूएट किया जाएगा। बट अभी पोलैंड वालों ने इंडियन की एंट्री बैन कर दी है। ठीक है, हम 3 दिन से यहाँ पे ठंड में मर रहे हैं, ना यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रहने का इंतजाम है, ना कोई खाने का इंतजाम है, हैं। तो अभी हम धक्के मुक्के खा के बॉर्डर के पास पहुँचे और अभी बोल रहे हैं कि यहाँ की एंट्री बंद है। कल हम 40 से 50 किलोमीटर पैदल चल के आए बॉर्डर के लिए, और जो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, हेल्पलाइन दिया, आज एक से बात हुई, पंकज गर्ग करके नाम है, उनसे बात हुई और वो बोल रहे हैं जी हमारी बात चल रही है, पता करके बताते हैं। अगर आपको कन्फर्म ही नहीं था तो आपने बोला क्यों कि यहाँ पे पोलैंड बॉर्डर पे आ जाओ। हम 1300 किलोमीटर दूर आए हैं पोलैंड बॉर्डर पर, कि जो आर्मी वाले हैं वो मारपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स कहाँ पर जाएँ, गवर्नमेंट को इसका जवाब देना है। पूरा रात हम बर्फबारी में रहे, रात को बर्फ पड़ रही थी और माइनस का टेम्परेचर था, ना कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई अरेंजमेंट किया हुआ है रहने का, ना कोई खाने का, ना कुछ कोई अरेंजमेंट नहीं है। और अभी सुबह जब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हुए तो अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं जी आप रोमानिया बॉर्डर पे जाएं, जो कि जहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, और ये बोल रहे हैं कि पोलैंड ने यहाँ की एंट्री बैन कर दी है। तो अभी हमने कॉन्टेक्ट किया था मिस्टर पंकज गर्ग जी से, कॉन्टेक्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि हम आपको कन्फर्म करके बताते हैं कि क्या होता है, आप वेट कीजिए। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया उनका। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि अगर आप कुछ करना चाहते हो रियल में तो करो कुछ, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 हजार इंडियन स्टूडेंट फंसा पड़ा है। ठीक है, जो यहाँ पे जो हालात है बहुत खराब है, सबके सब अभी घर जाना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करो, क्योंकि यहाँ पे रहने का इंतजाम नहीं है और ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर रहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके तो कुछ कीजिए स्टूडेंट्स के लिए। ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये जो ऑडियो आपने देखी, ये भारतीय मूल के बच्चे हैं और लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि भारत वापस लौटा जा सके। हालांकि जो भारत सरकार है इसमें कोशिश कर रही होगी, कुछ कोशिशें की भी गई हैं, कुछ फ्लाइट्स वहाँ से टेक ऑफ हुई हैं जो भारतीय मूल के लोगों को लेकर भारत में पहुँचे, लेकिन ये कोशिश नाकाफ़ी है। ये कोशिश और बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी, ताकि जो व्यथा हमने आपको सुनाई तस्वीरों के माध्यम से उस ऑडियो क्लिप में, वो विचलित कर देती है। ये मानना पड़ेगा आपको कि भारतीय मूल के बच्चे, भारतीय लोग यूक्रेन में आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो आपको बना के आपको दिखा रहा हूँ, आज भी परेशान हैं और माइनस टेम्परेचर में बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े हैं, ताकि एक ऐसी जगह पहुँचा जा सके जहाँ वो सुरक्षित फील कर सकें। अगर भारत सरकार के द्वारा कुछ कोशिशें की गई हैं, ज़रूरत है उन कोशिशों में और तेज़ी लाने की। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।